हे गाइस वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सैमसंग के 53 स्मार्टफोन के बारे में, जानेंगे इसके सभी डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोज एंड कॉन्स एंड क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज इस प्राइस रेंज में बहुत सारे 5G फोन्स अवेलेबल हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड पैनल है विद 800 निट्स पीक ब्राइटनेस। इसका पंच होल भी काफी छोटा है एंड ओवरऑल इसकी बेजल्स भी काफी ज्यादा कम है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसके कैमरास की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 सेंसर है विद F1.8 अपर्चर एंड OIS भी सपोर्टेड है। ये बेस्ट वर्क करता है 1080p 30fps की रिकॉर्डिंग पर एंड 12MP का अल्ट्रा वाइड है एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी प्रेजेंट है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट अप टू 4K 30fps। इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी है, अप टू 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है, बट चार्जर बॉक्स में नहीं आता है, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें सैमसंग एक्जीनोस 1280 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट 5G चिपसेट है, बिकॉज ये 5nm पर बेस्ड है विद माली G68 GPU एंड दिस इज रनिंग ऑन One UI 4.1 बेस्ड ऑन Android 12। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें 4 ईयर्स तक के एंड्रॉयड अपडेट्स एंड 5 ईयर्स तक एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेज मिलेंगे, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें दो रैम वेरियंट्स आते हैं, 6+128 एंड 8+128 GB स्टोरेज विद LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज विद हाइब्रिड सिम स्लॉट एंड 4 कलर ऑप्शंस आते हैं, ब्लैक, व्हाइट, पीच एंड ब्लू। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 10 5G बैंड्स आते हैं एंड डुअल 4G एंड 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी प्रेजेंट है। NFC भी है एंड डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, USB टाइप सी पोर्ट, ये सभी फीचर्स प्रेजेंट हैं। तो अब बात करते हैं इस फोन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, लाइक 10 5G बैंड्स हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, एंड्रॉइड 12 है विद 4 ईयर्स प्रॉमिस्ड अपडेट एंड 5 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस, कैमरास भी काफी ज्यादा जबरदस्त हैं, IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, 5nm बेस्ड प्रोसेसर है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, प्रीमियम डिजाइन है विद 189 ग्राम्स वेट एंड 8.1mm थिकनेस, सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग फीचर्स। बट इस फोन में थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, लाइक हेडफोन जैक नहीं है, चार्जर बॉक्स में नहीं आता है एंड प्रोसेसर अगर स्नैपड्रैगन होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ओवरऑल ये भी काफ़ी डिसेंट है। अब अगर हम बात करें इस फोन के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर लोडेड स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस है 34,499 रुपीज़, तो ये थोड़ी ज़्यादा लगती है बिकॉज चार्जर बॉक्स में नहीं आता है, इसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ेगा। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका बजट इतना है तो आप iQOO 9SE को भी ले सकते हैं। उसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग है एंड प्राइस भी इससे थोड़ी कम है। कैमराज एंड सॉफ्टवेयर के मामले में तो A53 ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो इससे बेटर आप सैमसंग A52S भी परचेज कर सकते हैं। उसमें भी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, इसमें हेडफोन जैक एंड 15 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है एंड उसकी प्राइस है अंडर 31,000 रुपीज़, तो वो इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लगता है। बाकी ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो यही था कुछ मेरा ओपिनियन अबाउट दिस स्मार्टफोन। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।